लेखा शास्त्र वित्तीय लेखांकन भाग एक में कक्षा 11वीं का बेटा आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीप्ति शर्मा आज आपको मैंने इसके पहले बेटा क्वेश्चन आंसर बताए थे लेखा शास्त्र के परिचय है ना, तो इसके क्वेश्चन आंसर को बताते बेटा। आज इसके आगे के प्रश्न उत्तर हैं, लेखाकर्म में लिख करने की प्रमुख प्रणाली क्या है? लेखाकर्म को लिखने की और करने की प्रमुख प्रणाली क्या है? तो लेखाकर्म की प्रमुख प्रणालियां दो हैं बेटा, एक है भारतीय वही खाता प्रणाली और दूसरा है अंग्रेजी वही खाता प्रणाली। तो भारतीय वही खाता प्रणाली में आता है, यह प्रणाली कैसी है? बहुत प्राचीन है बेटा, ये महाजनी पद्धति भी से कहते हैं। मतलब जो भारतीय वही खाता प्रणाली है कैसी है? बहुत प्राचीन है और इसे महाजनी पद्धति भी कहते हैं। भारतीय वही खाता प्रणाली में हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, उड़िया आदि भाषाओं में भी लिखा जाता है। जो ये लेखा वही खाता है वो इतनी भाषाओं में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यदि भाषा में लिखा जाता, छोटे छोटे या बड़े व्यापारी सफलतापूर्वक इस प्रणाली का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। काय का? भारतीय लेखा प्रणाली का। फिर उसके बाद है अंग्रेजी वही खाता प्रणाली। अंग्रेजी वही खाता प्रणाली को भी तीन भागों में बांटा गया है बेटा। तो पहला है रोकड़ प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, दूसरा है रोकड़ प्रणाली और तीसरा है इकहरा प्रणाली। दोहरा से मतलब बेटा इसके अनुसार प्रत्येक दो पक्षों में लिखा जाता है, मतलब इसको दो पक्षों में लिखा जाता है, पहला नाम पक्ष तथा दूसरा पक्ष लेखा किए जाते हैं। यह विधि वैज्ञानिक है और लेखा करने में सर्वोत्तम विधि है। बड़े व्यापारियों के लिए प्रणाली कैसी रहती है? उपयुक्त रहती है। फिर है रोकड़ प्रणाली। इस प्रणाली में केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, नगद व्यवहार का लेखा किया जाता है। इस प्रणाली में रोकड़ वही प्रमुख पुस्तकें होती हैं। इसमें नगद प्राप्तियां, नगद भुगतान का लेखा होता है। कौन सी प्रणाली में? रोकड़ प्रणाली में। वर्ष के अंत में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। यह प्रणाली सामाजिक कार्य वाली संस्था बनाया करती है, जैसे महाविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, क्लब, अनाथालय आदि में ये प्रणाली प्रयुक्त होती है। कौन सी प्रणाली? रोकड़ प्रणाली। फिर है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत सौदे का लेखा एक पक्ष में किया जाता है, जो दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्षों में और ये इकहरा लेखा प्रणाली में एक पक्ष में किया जाता है। ये पूर्ण लेखा प्रणाली भी, इसे पूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत काय का? सौदों का लेखा एक पक्ष में किया जाता है। कौन सी प्रणाली में? इकहरा लेखा प्रणाली में। यह प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए कैसी होती है? उपयुक्त होती है। कैसी होती है? छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी प्रणाली? इकहरा लेखा प्रणाली। किसके लिए उपयुक्त होती है यह प्रणाली? छोटे व्यापारियों के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। इसके बाद है निम्नलिखित का सापेक्ष में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये कि निम्नलिखित सापेक्ष का वर्णन। तो पहला है पूंजी। पूंजी क्या है? व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन या माल या संपत्ति को क्या कहते हैं? पूंजी। मतलब जब अपन कोई व्यापार शुरू करते हैं उस व्यापार के लिए अपन जो व्यय करते हैं, पूंजी लगाते हैं, है ना, नगद धन देते हैं, तो वह क्या कहलाती? संपत्ति लगाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? ये व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन या माल संपत्ति को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। व्यापार के साधन जुटाने का मुख्य साधन पूंजी होती है। व्यापार के लिए पूंजी का दायित्व
कमाने पर पूंजी में क्या होती है, वृद्धि, या हानि होने पर पूंजी में कमी होती है। अपन कोई व्यापार कर रहे हैं तो लाभ होने पर उस पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी, और अगर हानि होगी तो पूंजी में क्या होगी, कमी होगी। फिर है संपत्ति। व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती हैं, जिस प्रकार व्यापार का स्वामित्व होता है व्यापार की संपत्ति कही जाती है। तो संपत्ति का वर्गीकरण भी कितने प्रकार से किया गया है, चार प्रकार से, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। तो व्यापार की स्थिति में जो व्यापार को संचालन में मतलब सहयोग करती है, व्यापार का स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है, उसका भी वर्गीकरण निम्नानुसार किया है। तो पहला है स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। फिर है व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से धन लगाकर किसी कार्य में लाभ प्राप्त करना ही व्यापार होता है। मतलब अपन केवल व्यापार क्यों करते हैं, उसके लाभ की। लाभ कमाने के उद्देश्य से धन लगाकर किसी कार्य में लाभ प्राप्त करना ही व्यापार है। व्यापार में वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय जो लाभ हानि के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। मतलब जो वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के लिए किया जाता है उस व्यापार को क्या कहते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। फिर है चौथा, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मतलब चालू संपत्तियों का चालू दायित्व आदि की ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। मतलब जो कार्यशील मतलब चलती फिरती है ना, जो कार्य में चालू संपत्ति या चालू दायित्व पर अधिक ही क्रियाशील पूंजी कहलाता है। व्यापार के लिए दिन प्रतिदिन कार्यों को पूरा करने हेतु व्यवहार की गई पूंजी पर कार्यशील पूंजी कहते हैं। मतलब जो कार्यों को पूरा करने हेतु व्यवहार की पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। उसके बाद है लेखांकन क्या है और इसकी सीमाएं बताइए। मानवीय आवश्यकताओं ने व्यवसाय एवं उद्योग का नियंत्रण क्या किया, विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का क्या किया, निर्वाहन किया, और विकास से अधिक वित्तीय व अन्य पेचीदगियों को क्या किया, उसने जन्म दिया। परिणाम स्वरूप लेखांकन को निम्नलिखित परिलक्षित होने लगी। तो ये क्या है, लेखांकन क्या है, उसके तो सबसे पहले मानवीय आवश्यकताओं में व्यवसाय और उद्यम को निरंतर विकास की भूमिका का निर्वाह किया गया है। इसमें विकास में अधिक वित्तीय व पेचीदगी कर दिया, जन्म दिया। परिणाम स्वरूप लेखांकन के परिचित होने पर होने लगी। तो फिर है पहला है लेखांकन में व्यवसाय की महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त करना। तो लेखांकन केवल व्यवहारों पर किया जाता है। लेखांकन होते हैं वो काय पर आधारित है, काय पर किए जाते हैं, व्यवहारों पर जिनका मौद्रिक स्वरूप होता है। व्यवसाय में कुछ ऐसी घटनाएं और समस्याएं हो जाती हैं जिसका कोई मौद्रिक रूप ना होकर किंतु व्यवसाय के लिए एक आवश्यक सूचना के रूप में तैयार योग लोगों जैसे कच्चे माल को प्राप्त करने तो लेखांकन में व्यवसाय का संपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना। लेखांकन केवल व्यवहारों पर ही किया जाता है, मौद्रिक स्वरूप होता है। व्यवसाय में कुछ ऐसी घटनाएं व समस्याएं होती हैं जिनका कोई मौद्रिक स्वरूप या व्यवसाय के लिए कोई आवश्यक सूचना के रूप में प्रयोग जैसे कच्चे माल को प्राप्त करना में उपस्थित होने वाली कठिनाइयाँ, कर्मचारी एवं व्यवसाय में खेत रखने वाले व्यक्तियों को कर्तव्य प्रणालिता आदि। फिर है लेखांकन विवरण पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते। तब जो लेखांकन विवरण होते हैं वे पूर्ण व शुद्ध नहीं होते। लेखांकन द्वारा प्रदर्शित व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती। तब जो लेखांकन होते हैं जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूर्ण रूप से कैसे
तो इनकी जो स्थिति होती है वह पूर्ण कैसी नहीं होती, सत्य नहीं होती। लेखांकन विवरण बनावटी व्यवहारों को सरलता से हिसाब पुस्तकों में क्या कर दिए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। किसी प्रकार के व्यवहार को ना लिखा जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था लेखांकन में क्या है, संभव नहीं। फिर है मूल्यहीन संपत्तियों को दर्शाना। आर्थिक चिट्ठे में कोई ऐसी संपत्ति को दर्शाया जाता है जिसका वास्तविक मूल्य नहीं होता। अंशों व ऋण पत्रों को छूट और प्रारंभिक व्यय ख्याति आदि, ये क्या है, मूल्यहीन संपत्तियों को दर्शाना। तो आर्थिक चिट्ठे में ऐसी संपत्ति को दर्शाया जाता है जिसका वास्तविक मूल्य क्या नहीं होता, वास्तविक मूल्य नहीं होता। जैसे अंशों व ऋण पत्रों में छूट, प्रारंभिक व्यय और ख्याति। फिर है अंकों में हेरा फेरी करना। स्वामी द्वारा लाभ को सिद्ध करने के लिए प्रबंधकों को लेखांकन को प्रभावित करने के लिए कहा जा सकता है। लाभों में कमी दिखाना, लाभों को कम दिखाना, जिसमें करों का कम भुगतान किया जा सके और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को भी क्या कर सके, ठुकराया जा सके। तो ये क्या है लेखांकन के, आपने क्या पढ़े, लेखांकन, वित्तीय लेखांकन की सीमाएं पढ़े। ठीक है, लेखांकन क्या है और लेखांकन की सीमाएं क्या हैं, तो आपकी चार सीमाएं हैं, आप इनको कॉपी में लिखोगे और याद करो। धन्यवाद।